वेलकम जोहार नमस्कार। मैं एमएसआर एमएसआर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुन्दर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन इसके लिए करना होगा संघर्ष। तो चलिए संघर्ष करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या वीडियो बनाया जा रहा है। वह है भूगोल की क्लास 10 की चैप्टर का नाम है जल संसाधन और इसका पार्ट वन बन चुका है, पार्ट टू है। इसमें महत्वपूर्ण पूरी जो फोकस है नदी, नदी पर बने हुए बांध और बहुउद्देशीय परियोजना पे फोकस है आज की वीडियो। तो चलो देखते हैं, पहले है सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। मतलब ऐसा अनुमान किया गया है कि भारत में 2025 के बाद लगभग 22% लोग क्या होंगे, जल की कमी को झेलेंगे। सोचिए क्या होगा 2025 के, तो यहां आंसर होगा 22%। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा था, वो ये है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो कितने लोग, लगभग जो है वो है 20 करोड़ लोग भारत के, अगर बात करें तो 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेगा। तो अभी भी समय है, वृक्ष लगा लो, पेड़ लगा लो, अपने भविष्य को बचा लो, नहीं तो फिर दिक्कत है। अगला, बांध, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति आदि करते हैं, इस कारण से बांध को किस प्रकार की परियोजना करते हैं। तो बांध कुछ, अगर एक सिंपल बांध सिर्फ पानी रोक करके अगर सिंचाई की करने की बात हो रही है तो वह बांध कहलाएगा, लेकिन जब उस बांध का बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, जैसे क्या है, उस बांध का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा रहा है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है, जल आपूर्ति के लिए भी किया जा रहा है, और नौकायान के लिए भी किया जा रहा है, पर्यटन के लिए भी किया जा रहा है, तो इसको कहेंगे कि वह बांध सिर्फ सिंपल बांध नहीं बल्कि बहुउद्देशीय परियोजना है या बहुउद्देशीय कहलाएगा वह। तो वह क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कह सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कैंसर हो गया, पहला हो गया। अब किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बात जिसने कहा है वे है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट पीएम कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका फर्स्ट पीएम लिख दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए जवाहरलाल नेहरू। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि बांधों के आधुनिक भारत का मंदिर के अलावा यहाँ पे क्या बोल सकता है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो ये आंसर वही होगा। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, इसे प्यार से या संक्षिप्त में कहा जाता है DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहा जाता है। और इसकी स्थापना पहले जान लें, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था, मतलब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके तुरंत एक वर्ष के बाद 1948 में डीवीसी की स्थापना किया गया था। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, यही सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए किया गया था डीवीसी। इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि यह अमेरिका की टेनेसी, यूएसए की एक नदी घाटी परियोजना जिसको बोलते हैं टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा था टेनेसी परियोजना, उसी को देख करके यहाँ पे भारत में डीवीसी की स्थापना किया गया। तो वह डीवीसी किस राज्य में स्थित है, तो ये तो प्रश्न के उत्तर आपको पता होगा, जो झारखंड के होंगे, इसका आंसर होगा झारखंड राज्य। कहां स्थित है डीवीसी, झारखंड में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, डीवीसी से तीन बातें मैंने बताया महत्वपूर्ण। भारत में कुल
विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, मतलब अगर 100% देखे विद्युत का तो उसमें जल विद्युत से कितना प्राप्त होता है। पहले तो ये जान ले जल विद्युत क्या होती है। तो जल विद्युत वह विद्युत होता है जिससे जल को क्या किया जाता है, रोक करके बांध बना दिया गया। अब वहां से पानी निकाला गया कहां, टरबाइन के पास, और इस टरबाइन को घुमाया गया, बांध के ऊपर से पानी गिराएगा टरबाइन पर। टरबाइन पर जब पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो फिर जनरेटर या वहां पे जो तंत्र लगे हुए मशीन लगे हुए डायनामो जिसको कह सकते हैं वह घूमेगा, फिर विद्युत का उत्पादन होगा। तो जल विद्युत का कितना, विद्युत में जल विद्युत का कितना योगदान है, तो 22% 22% ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध। तो बांध की बात हो रही है, जल संसाधन की बात हो रही है, तो बांध भारत की सबसे जो लंबी बांध है वह कौन है, हीराकुंड बांध। तो सबसे पहला प्रश्न तो बन गया, सबसे लंबी बांध कौन है, तो सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। उसके बाद यह कहां है, किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है वह है महानदी पर, महानदी पर स्थित है। और यह महानदी किस राज्य में स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में, या उड़ीसा कह सकते हैं या ओडिशा कह सकते हैं। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। महानदी किस नदी में है, ओडिशा में। यह भारत की सबसे लंबी बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है वह है सतलज, सतलज या सतलुज, घबराइएगा नहीं, और व्यास इस पे स्थित है। ये लगभग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरिया में है, लेकिन इसकी एक खासियत यह है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई वाला बांध है ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग है, भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग बांध है, एक बांध नहीं है, दो अलग अलग जगह पे बने हुए, लेकिन यही नदी पर बना हुआ है। सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है, सतलज और व्यास पे बना हुआ है। और इस पे इसी बांध से एक प्रमुख बात और होती है, भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो नहर है वह नहर कौन है, तो इसका नाम यहां मैं इरेज कर देता हूं, वह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इसी से निकलती है, भाखड़ा नांगल बांध से। अब इंदिरा गांधी जब बांध निकली, नहर निकली, इंदिरा गांधी नहर निकली, तो वह सिंचाई करेगा, तो वह राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, उधर यह सिंचाई करता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह हो गया भागीरथी। भागीरथी पर, भागीरथी जो गंगा की मुख्य धारा है उस पर स्थित है टिहरी बांध। अब प्रश्न यह भी तो बन सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसको हम लोग प्यार से कहते हैं यूके या उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून और गैरसैंग है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध ये जो है वह नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनी हुई बांध है, और इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन क्षेत्रों में लाभ होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध यह किस नदी पर स्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। और भाई ये बांध कौन से राज्य में, यह भी पूछ सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। गुल अथवा कुल क्या है, गुल अथवा कुल क्या है, ये सिंचाई के या जो प्राचीन तरीके जो थे सिंचाई
तो मैं बता रहा था गुल अथवा कुल क्या है, तो ये वर्षा जल संग्रहण करने की विधि है। तो वर्षा जल संग्रहण करने की तरीका है, विधि है। लेकिन अब प्रश्न इससे आपसे ये पूछ सकते हैं कि गुल और कुल किस क्षेत्र में, तो पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी या कह सकते कौन सी पहाड़ी बा, तो पहाड़ी हो जाएगा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण करने का विधि है गुल अथवा कुल। आगे क्या है, टंका क्या है, तो टंका पीने वाला जो पानी होता है ना, पीने वाला पानी को संग्रहित करने किया जाता है, मतलब पीने वाला पानी को स्टोर किया जाता है कहां, तो कहां किया जाता है, तो क्या मैं बता रहा था टंका ये राजस्थान में है, राजस्थान ध्यान रखिएगा। पीने का जो जल है राजस्थान में, आपको पता है कि जल का अभाव होता है, तो बारिश का होता है, पहला बारिश जो होता है उसको सिर्फ गड्ढे को साफ करने के लिए किया जाता है, नली वली को साफ करने के लिए, उसके बाद पानी को छोड़ दिया जाता है, बाकी रेस्ट जब भी वर्षा हुआ तो उसको भूमिगत टैंक कह सकते हैं। टंका को क्या कहा जा सकता है, भूमिगत टैंक, यह जमीन घर के नीचे भी बनाया जा सकता है, घर के किनारे भी बनाया जा सकता है, वहां पे पानी को स्टोर रखा जाता है, तो भूमिगत टैंक टंका कहलाता है, राजस्थान में है, पीने वाला पानी है, ये स्टोर रखने का एक तरीका है, संग्रहण की तरीका है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा खादिन और जोहड़, खादिन और जोहड़। तो खादिन और जोहड़ जो है वो क्या है भाई, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र, मतलब राजस्थान के क्षेत्र में कहिए, जहां पे या वह क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होती है, वहां पे वर्षा जल को एकत्र करने का एक तरीका है, वह है खादिन और जोहड़, और टंका भी कह सकते हैं या टंका। तो ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, तो अगर क्लास में आपको अच्छा लगेगा तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।